पूरा करूंगा। वहाँ पर आके भाषण दिया था मोदी जी ने, और भीड़पारा में उसने भाषण दिया था मेरे को सामने रख के कि हमारा कम्युनिटी मैं फुल करूंगा, कल से ये काम शुरू हो जाएगा, ये बोला था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम चाहता हूँ कि अब कब पूरा हो जाए मोदी साहब, हम क्वेश्चन करने के लिए हम आया हूँ, और चाहता हूँ कि आने वाला दिन में 2024 का आगे कोई आपने कोई फुल करना ही होगा, नहीं तो जैसा कमल का फूल बंगाल में खिलाया था वैसे ही फूल खत्म हो जाएगा। जैसे उम्मीदों के साथ कमल का फूल खिलाए थे तो आपको ये लगता था कि हमारा अलग से राज्य बन जाएगा, ऐसे क्यों, मतलब वहाँ क्या खासियत है, क्यों वहाँ पर नाम क्यों दिया जाए? देखिए नाम नहीं, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारा आइडेंटिटी होगा, और ये भारत देश में चढ़ाव करने वाला चाहे पाकिस्तान हो या चाइना, जब चढ़ाव करते हैं ना तब पाखा का याद आता है, एक एक कतरा खून बगा के हम लोग योगदान भारत देश को दिया है, लेकिन भारत देश ने अभी तक क्या दिया हम लोग, उसको सरकार को हमने अवेयरनेस करने के लिए बार बार काम कर रहा हूँ। हम आपको रोकना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं, तो क्या होगा क्या उनके लिए वेशभूषा को लेकर हो, कल्चर संस्कृति भाषा सब लेकर ही अभी स्टेट बना हुआ है, और हमारा अलग है बंगाल से अलग है, और हमारा बंगाल से अलग वेशभूषा भाषा संस्कृति सब अलग है, और हम लोग क्यों नहीं बन सकते अभी तक बन चुका है, इतना झारखंड बना, उत्तराखंड बना, बहुत उनतीस राज्य बन गया है, तो हम किसो राज्य बनाने के लिए क्या मुश्किल है? जितने राज्यों का आपने नाम लिया है वो कोई भी राज्य जो है वो भाषा पर नहीं बनाया गया कि उनका अपना अपना संस्कृत भाषा सब अपना आइडेंटिटी सब लेकर ही बनाया। ऐसा कोई राज्य आप जानते हैं जिसको भाषा के नाम पर बना दिया गया? उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, अपना ये भाषा के नाम पर भाषा संस्कृत सब लगा के ही बन चुका है, और हम लोग भी चाहता हूँ कि हमारा अपना आइडेंटिटी है जो भारत देश में, हमारा अपना आइडेंटिटी अभी देखिए जो माइनॉरिटी के लिए ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना सरकार उसको योगदान देते है, लेकिन हमारा गोरखा कम्युनिटी को जब भी हम लोग का देश को मुसीबत आते है हम लोग को समझते कि ये महान है, ये गोरखा महान है, ये भारत देश के लिए आप लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे जो है यहाँ पर बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं वो भी अपनी आइडेंटिटी के लड़े, और फिर देखिए अपना 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 जातीय जातीय प्रांत है, अपना अपना जातीय प्रांत है, और हम लोग की गोरखा जाति है, गोरखा जाति का एक अलग हमारा हिस्ट्री भी है, वही हिस्ट्री को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जातियाँ बहुत है, भारत देश में 29 राज्य क्यों बन गया, क्यों बन गया, ये तो 29 राज्य तो नहीं बनना चाहिए था ना, तो भारतीय जनता पार्टी हो आगे का जितना भी सरकार हो यही चीज लेकर छोटा छोटा राज्य बनाए, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट उन्नति विकास के लिए जो भी है समस्या बहुत समस्या बहुत है, क्योंकि हमारा वहाँ पर बच्चे लोग हैं, बेकार बच्चे लोग हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हमारा इतना आयुष है कि टिंबू टूरिज्म और पावर प्रोजेक्ट इतना, बंगाल हमारा रेवेन्यू से चलते हैं, तो हम लोग का रेवेन्यू से बंगाल चल रहा है, तो हम लोग को अपना प्रांत बनने से हम लोग खुद ही हम लोग चला सकता हूँ ना, इसीलिए हम लोग का डिमांड कर रहा हूँ। आप लोग अब चुनाव लड़ लेंगे? चुनाव तो देखिए कितना बार एनपी बनाया, जसवंत सिंह को एनपी बनाया, एस एस आलोल को एनपी बनाया, राजू मिश्र को एनपी बनाया, और एमएलए तो कई बार बनाया। आपकी राज्य सरकार कह रही है कि हम गोरखाओं की सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सारी जो भी समस्याएं होती है उनका निवारण करते हैं, पॉलिटिकल भाषण तो जब भी देता है देते रहे, लेकिन हमारा डिमांड है हम लोग मानते रहे। आपका डिमांड क्या है अलग राज्य, उसके अलावा कुछ और? ना ना, आप राज्य से कोई डिमांड करिए कि आप लोग राज्य से ये जो है ये राज्य से हो नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, जो भी समस्याएं आपको हो रही है जिसके लिए आप गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं, तो वो जो है राज्य सरकार से दरख्वास्त करिए कि हमको ये राज्य सरकार को भी बहुत बात दरख्वास्त समस्याओं के लिए आपने समस्या के लिए भी हमने रखा हुआ है, समस्या का समाधान के लिए जो भी हम वहाँ पर रखा हुआ, लेकिन वो समाधान कोई चीज आया था लेकिन
जो प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में नहीं जो बार बार वो आवाज होती है ना, वहाँ पर जो जीके बन गया था जो 2012 में बनने का बाद उसका अवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, खत्म हो गया ना। इसीलिए अभी ये नौबत आ गया कि ये बार बार ये कि चाहता हूँ वहाँ का परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, तब वहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर गोरखा लैंड आपका एक अलग राज्य बन गया तब भी जो आपकी सरकार होगी हो सकता है तभी वो आपकी तरफ से क्या करेंगे, तब गोरखा लैंड बनने से बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर हम लोग का विकास हो गया, कोई भी चीज हो हम लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत आयुष्य कोई दूर से अभी बंगाल सरकार करीब नहीं सकते आते और हम लोग चाहते हैं हमारा अलग ये बनने से और हमारा देश में हम उन्हें विकास एक पहचान दे सकते। एक पहचान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार जो जाति के लोग हैं, धर्म के लोग यहाँ पर हैं, चारों का अलग अलग दृष्टिकोण से मैं नहीं देख रहा हूँ, हम लोग धार्मिक ये धार्मिक दृष्टिकोण से देखा मिनर राइट होगा हमारे गोरखा लैंड में, आदिवासी हो या बंगाली हो बिहारी हो या मुस्लिम हो सभी रहे चाहे जो गोरखा लैंड का जो जो हम ये पूछ रहे थे आपसे कि जो आदिवासी है क्या उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए, क्या उनको झारखंड तो है, झारखंड है आदिवासी का झारखंड है, आपके हिसाब से सारे जितने भी राज्य हैं वो तो बन चुके हैं, बन चुके हैं पंजाब है भारत देश में एक पहचान होना चाहिए गोरखा को भी पहचान, जब भारत देश को चढ़ाव होते है ना तब समझते है ये गोरखा ने इतना आवती दिया है, बस इतना ही हम लोग को एक एक कदा खून देकर हमने आवती दिए है भारत देश के लिए और हम लोग कुछ पहचान दो आइडेंटिटी कैसे क्या जरूरत है गोरखा को पहचान, वो अपने आप में ही एक पहचान है। आप लोग जब भी चैनल हो या कोई भी टीवी चैनल हो जब भी चला होते है ना देश में चाहे चाइना से होते है चाहे पाकिस्तान, तब गोरखा महान होते है बोले आप लोग ताली मारते है ना, आप हमारी नजर में तो गोरखा हमेशा महान था, अभी भी महान है, महान का जगह कहाँ है, महान का जगह महान का देखिए महान का जगह महान का आइडेंटिटी क्या है, महान का आइडेंटिटी क्या है नहीं है ना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं महान का आइडेंटिटी क्या है, महान महान की जगह क्या एक अलग राज्य बनने से हो जाएगा, बहुत 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 और बहुत महान होता है उसका एक अलग राज्य होता है, देखिए हम लोग का गोरखा का जो महान बनना चाहिए सर सर जो महान होता है उसका एक अलग राज्य होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं हमने आपसे पूछा है, हमने आपसे ये पूछा कि जो महान होता है क्या उसका एक अलग राज्य है, हर महान व्यक्ति का महीने महीने नहीं बता, ये तो भारत देश ने बता रहा है, भारत देश ने बोल रहा है, भारत ने बार बार बोल रहा है महान आदमी महान, जब भी ये गोरखा आदमी लोग है उसको महान ही बोलता है चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सब बोलते हैं, तभी तभी तो हम कह रहे हैं कि आपको जो है वो किसी राज्य की जरूरत ही नहीं है, खुद में महान है, हम लोग को तो आइडेंटिटी क्वेश्चन जब भी आप आते हैं और हम लोग को देखकर आपको नेपाल का है बोलता है ना, हम लोग को पहचान चाहे ना, हम लोग तो नेपाल का आदमी नहीं भारत का गोरखा हूँ, हम लोग जमीन से हम लोग यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन।